इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 7 प्रत्याशी वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में है। मुख्य राजनीतिक दलों से 3 प्रत्याशी हैं जो भाजपा, कांग्रेस और बसपा से हैं। मगर मुख्य लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय के बीच है। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम के अनुसार 14 टेबल लगाई जाएंगी और 30 राउंड की मतगणना होगी। पुलिस प्रशासन के स्तर से मतगणना के साथ साथ सुरक्षा व यातायात आदि को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक अलग से टेबल होगी और उस पर आरओ की तैनाती रहेगी। वहीं कार्मिक वोटों की गिनती व घर घर जाकर जो वोट डलवाए गए हैं उनके लिए 6 टेबल अलग से लगाए जाएंगे। बनारस में सुबह 8:30 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बता दें कि जिले में 8 विधानसभा सीट है जिसमें 5 सीटें रोहनिया, उत्तरी, दक्षिणी, कैंट और सेवापुरी वाराणसी लोकसभा में आती है। वहीं अजगरा और शिवपुर विधानसभा चंदौली लोकसभा सीट में आती है और मछलीशहर लोकसभा में पिंडरा विधानसभा आती है। ऐसे होगी मतगणना। हर विधानसभा क्षेत्र की 14 टेबल लगाई जाएगी। इन 14 टेबलों पर 14 बूथों की गिनती एक राउंड में पूरी होगी। एक टेबल पर मतगणना के आंकड़ों का मिलान होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 6 टेबल आरओ कक्ष में लगेंगे। एक टेबल पर 4 कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। सुबह 6:30 बजे सबसे पहले स्ट्रांग रूम खुलेगा। सुबह 8:30 बजे मतगणना की शुरुआत होगी। सबसे पहले गिनी जाएगी पोस्टल बैलेट एवं सर्विस वोट। गर्मी से बचने के लिए किए सारे इंतजाम जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एजेंट बना लिए हैं और उनकी सूची जिला प्रशासन को सौंप दी है। मतदान के दिन गर्मी से कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी जिस पर निर्वाचन आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतगणना स्थल पर कूलर, पंखा और एसी की व्यवस्था की जाए और आरएस घोल और पेयजल व भोजन की व्यवस्था का इंतजाम को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कर्मी की तबीयत नहीं बिगड़े इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। माना जा रहा है कि दोपहर तक यह तय हो जाएगा कि काशी का सांसद कौन होगा और देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। मीडिया सेंटर की भी व्यवस्था की गई है।